सब्सक्राइब कीजिए टैकी जी चैनल को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था प्लांट मेंटेनेंस और अनप्लांट मेंटेनेंस के बारे में। प्लांट मेंटेनेंस क्या होता है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, और अनप्लांट मेंटेनेंस क्या होता है ये भी डिस्कशन किया था। और अनप्लांट मेंटेनेंस के हमने पार्ट्स बताए थे, टू टाइप्स के होते हैं ये, कौन कौन से, एमरजेंसी मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इन दोनों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और हमने अब इस वीडियो में हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं प्लांट मेंटेनेंस के बारे में। प्लांट मेंटेनेंस हमारे फोर टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बताया था, फोर टाइप्स होते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस एंड शटडाउन मेंटेनेंस। इस वीडियो में मैं आपको प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है, आप देख रहे हैं टैकी जी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है हमारा? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस डिटेक्ट व्हाट चेंजेस हैज अकर्ड फिजिकल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, मींस इक्विपमेंट की फिजिकल कंडीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये उनको डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सपोज हमने अपनी मशीन पे सेंस टेम्परेचर को सेंस करने के लिए टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, एंड वाइब्रेशंस को मॉनिटर करने के लिए हमने सेंसर अप्लाई कर दिया, तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये फिजिकल कंडीशन को डिटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट, वर्क रनिंग इक्विपमेंट इंक्रीज सर्विस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट विदाउट लॉसेस, मीन्स ये हमारा रनिंग इक्विपमेंट में वर्क करता है, इससे हमारे प्रोडक्शन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं होती। एंड ये हमारा सर्विस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट विदाउट लॉसेस, ये इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ को बढ़ा देता है विदाउट किसी नुकसान के, कोई नुकसान करे बिना ये इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ को बढ़ा देता है, बिकॉज ये हमें पहले ही अवेयर कर देता है कोई फॉल्ट को आने से पहले विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड डिटरमाइन कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट एंड एस्टिमेट दैट व्हेन मेंटेनेंस परफॉर्म्ड, मींस ये हमारी मशीन की कंडीशन को डिटरमाइन करता है, और हमें जिससे ये पता चलता है कि हमें मेंटेनेंस को कब परफॉर्म करना है, एग्जैक्टली बताता है ये। नाउ अकर्ड जस्ट बिफोर ब्रेकडाउन एंड परफॉर्म व्हेन नीडेड, मींस ये ब्रेकडाउन होने से पहले ही हमें करना होता है, जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से थोड़ा सा जस्ट पहले ही हम इसको करते हैं। एंड व्हेन नीडेड, जब हमें इसकी जरूरत होती है तभी हम इसको करते हैं, अनवांटेडली हम इसको इस मेंटेनेंस को अप्लाई नहीं करते। नाउ मेन एम क्या है इसका, अलाउ कन्वीनियंट शेड्यूलिंग फॉर इक्विपमेंट एंड प्रिवेंट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेलियर, मींस ये हमें कन्वीनियंट शेड्यूलिंग प्रोवाइड करता है, इससे हमें आसानी होती है शेड्यूलिंग करने के लिए, मेंटेनेंस को शेड्यूल करने के लिए इससे हमें और भी आसानी होती है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेलियर, मींस ये हमारे अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेलियर्स को प्रिवेंट करता है, प्रोवाइड राइट इन्फो ऑफ इक्विपमेंट लाइफ, एंड हमें इक्विपमेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट लाइफ बताता है, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट डाटा, रियल टाइम डाटा हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमें इक्विपमेंट की रियल लाइफ पता चलती है। एंड नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, डाटा कलेक्शन, देन प्री प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन, एंड आफ्टर दैट टाइम टू फेलियर प्रिडिक्शन, आफ्टर दैट मेंटेनेंस शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजिंग, मीन्स सबसे पहले हमें डाटा कलेक्शन, मीन्स डाटा कलेक्शन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने मशीन के ऊपर अप्लाई कर रखे हैं उनसे जो हमें डाटा प्रोवाइड हो रहा है, दैट वाज द डाटा कलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा कलेक्शन करेंगे। देन प्री प्रोसेसिंग, मीन्स फिर हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, मीन्स डाटा दैट वाज करेक्ट और नॉट, आफ्टर दैट अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन, देन हमें जल्द से जल्द हम उस फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, आफ्टर दैट टाइम टू फेलियर प्रेडिक्शन, मीन्स हमें फेलियर को प्रिडिक्ट करने के लिए टाइम डिसाइड करना होगा कि व्हेन वी डू प्रिडिक्ट द फेलियर, आफ्टर दैट मेंटेनेंस शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हमें मेंटेनेंस को शेड्यूल करना होगा, देन हम अब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसको ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। नाउ डिफरेंट बिटवीन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस डिपेंड ऑन एक्चुअल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, मीन्स
हमारा जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है वो डिपेंड करता है एक्चुअल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, मीन्स इक्विपमेंट की जो एक्चुअल रियल टाइम कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, और जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है रेदर देन एवरेज और एक्सपेक्टेड लाइफ टू प्रिडिक्ट, मीन्स जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो एक एवरेज डाटा देता है हमें, बिकॉज ऑफ ये हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का डाटा हमें इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिलता है, और जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो हम अपनी मैन पावर के थ्रू करते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज करके करते हैं। देन उस आफ्टर दैट प्रिडिक्ट व्हेन मेंटेनेंस विल रिक्वायर्ड, और हम मेंटेनेंस तभी करते हैं जब हमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है, मींस जब हमें फॉल्ट कोई डिटेक्ट होता है उसके बाद ही हम मेंटेनेंस करते हैं, इसमें हम अनवांटेड मेंटेनेंस नहीं करते। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कंसिडर्ड फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड वे टू अचीव प्रोडक्शन, मीन्स हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो हमारा टारगेटेड प्रोडक्शन है उसको अचीव करने के लिए हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। नाउ दिस अप्रोच कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू रूटीन एंड टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो हमारी अप्रोच है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कंपैरिजन में कॉस्ट सेविंग अप्रोच है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, बिकॉज ऑफ हमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जब नीड होती है हम तब करते हैं, एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें फ्रीक्वेंसी बेस पे करना होता है, मींस हमें वीकली बेस पे एंड डेली बेसिस पे जो हमारा OEM के द्वारा डिसाइड किया हुआ था, जो हम ऑलरेडी प्लान किए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसे फ्रीक्वेंसी बेस पे करते हैं, एंड ये हमें जब हमें इसकी नीड होती है तब करते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के टाइप्स। मेनली प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के टू टाइप्स होते हैं, कंडीशन बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड सेकेंड वन इज स्टैटिकल बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हमारा कंडीशन बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मेंटेन इक्विपमेंट करेक्टली फॉर राइट टाइम, मीन्स इक्विपमेंट को सही समय के लिए ये मेंटेन करके रखता है सही प्रकार से। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बेस्ड ऑन यूजिंग एक्चुअल टाइम डाटा टू प्रायोरिटाइज एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, मीन्स ये कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और ऑन यूजिंग एक्चुअल टाइम डाटा, मीन्स ये हमारे एक्चुअल टाइम डाटा को यूटिलाइज करता है, जो रियल टाइम डाटा हमें प्रोवाइड होता है उसको यूज करता है हमें हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ सिस्टम डिटरमाइन इक्विपमेंट्स हेल्थ, जो हमारा ये सिस्टम है इस टाइप का सिस्टम ये हमारे इक्विपमेंट की लाइफ और हेल्थ को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। एक्चुअल व्हेन मेंटेनेंस एक्चुअली नीडेड, हम इसे तभी करते हैं जब हमें रियल में एक्चुअली मेंटेनेंस की नीड होती है। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अलाउ मेंटेनेंस पर्सन टू डू राइट थिंग, मीन्स ये मेंटेनेंस पर्सन को भी सही चीज़ें करने के लिए अलाउ करता है, एंड इट्स मिनिमाइज स्पेयर कॉस्ट एंड इक्विपमेंट डाउन टाइम, और ये मेंटेनेंस पर्सन को भी सही कार्य करने के लिए अलाउ करता है, और ये हमारे डाउन टाइम को और कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, मीन्स डाउन टाइम हमारा ये मिनिमाइज करता है और कॉस्ट मिनिमाइज करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज परफॉर्म आफ्टर वन और मोर इंडिकेटर सो दैट इक्विपमेंट इज फेल और लो परफॉर्मेंस, मीन्स हम इसको तब परफॉर्म करते हैं, इस मेंटेनेंस को हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जब हमारा इंडिकेट करता है, जब हमारा ये मेंटेनेंस इंडिकेट करता है कि ये वन एंड मोर टाइम इंडिकेट करता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो गोइंग टू फेल डाउन, मीन्स वो फेल होने की अवस्था में जाने वाला है जब कई बार इंडिकेट करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सेकेंड टाइप क्या है, इट डिपेंड्स ऑन स्टैटिकल डाटा फ्रॉम केयरफुल रिकॉर्डिंग इन प्लांट इक्विपमेंट और कंपोनेंट, मीन्स जो हमारे प्लांट में इक्विपमेंट्स हैं कंपोनेंट्स हैं जो हमारे उन सब की एक स्टैटिकली रिकॉर्डिंग करता है, डाटा प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे डाटा रिकॉर्डिंग करते हैं उन डाटा को ये प्रोवाइड करता है, उन डाटा के अकॉर्डिंग उन डाटा पे ही डिपेंड होता है टू डेवलप जो हमारे फेलियर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल डेवलप करने के लिए। एंड इसका ड्रॉबैक क्या है, द ड्रॉबैक ऑफ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आर दैट इज रिलाय हैविली ऑन करेक्टली डिटेल इन्फॉर्मेशन, मीन्स
ये हमारा हैविली रिलाय करता है करेक्टली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज के लिए बात करते हैं। सबसे पहले यह डिक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी वजह से जो हमारी मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम? क्योंकि हमें इसको जब हमें नीड होती है तभी हम मेंटेनेंस करते हैं इसका, अनवांटेड मेंटेनेंस नहीं करते हम इसका। और दूसरा, ये हमारे मोर बेनिफिशियल देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन ओनली व्हेन नीडेड, मींस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से ये हमारा बेस्ट मेंटेनेंस है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम ओनली रूटीन बेसिस पर करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। और हम इस मेंटेनेंस को जब हमें नीड होती है, जब हमें रिक्वायर्ड होती है, हम तभी करते हैं। देयरफॉर सेव मनी एंड टाइम, तो ये इस वजह से टाइम एंड मनी दोनों को सेव करता है। नेक्स्ट, मिनिमाइज इंटरप्शन एंड मेक नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन, मींस ये सिस्टम की जो रुकावटें हैं उनको दूर करता है और हमारे सिस्टम को स्मूथली चलाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट सिस्टम फ्रॉम एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन, मींस हमारे ये अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन और एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन को स्टॉप कर देता है। एंड नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मींस इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हमारे वो कॉस्टली होते हैं। फॉर माइनर इक्विपमेंट आइटम ऑफन मोर देन द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, मींस माइनर इक्विपमेंट्स के लिए हमारी इसकी जो वैल्यू है वो इक्विपमेंट की वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाती है किसी की माइनर इक्विपमेंट के केस में। एंड नाउ सेकेंड वन इज इंक्रीज नंबर ऑफ पार्ट्स, मींस इंक्रीज नंबर ऑफ पार्ट्स दैट नीड मेंटेनेंस एंड चेकिंग, मींस जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है इसके खुद के पार्ट्स इतने हो जाते हैं जो कि वो खुद मेंटेनेंस नीड करते हैं, जिनमें खुद को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उन्हें चेक करना पड़ता है, जिनकी हेल्प से वो डाटा कलेक्शन करते हैं उनको ऑलरेडी हमें चेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपने ये वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी और शेयर भी कर दें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।